आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है कि हमें सुबह सुबह आना पड़ा चर्च वेडिंग के लिए मोहम्मदार चर्च में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, आदेश से सोने, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आर एन ब्लॉग्स। तो अभी हम सेंट जोसेफ कंपाउंड में ही हैं और आज सुबह सुबह आ गए थे सेंट जोसेफ पारिश में। चर्च हो रही थी जो कि चर्च वेडिंग थी और वो अभी तक ख़त्म हो चुकी है। उस शादी में हमें पूरा चर्च का कवर करना था और कपल का फोटो प्लस वीडियो शूट करनी थी। वो सारा कुछ हो चुकी है और सारे लोग घर भी जा चुके हैं, तो अपना वीडियो को शुरुआत नहीं कर पाए थे क्योंकि जो बुक हमें मिली थी आज की वो हड़बड़ी में मिली थी। अचानक से फ़ोन आया था और हमें सडनली ही रेडी होकर आना पड़ा यहाँ पर, जिससे वजह से कि हम ब्लॉग तो सो भाई शुरू ही नहीं कर पाए। और अपना कैमरा भी ज़्यादा चार्ज नहीं था जैसे, लेकिन जैसे तैसे करके हम अच्छी तरह से आज का जो चर्च वेडिंग था उसका वीडियो और फोटो हम अच्छी तरह से शूट कर लिए हैं। बस यहाँ से अभी हम निकलेंगे और आज दिन में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और या चर्च शादी के बाद या इसका शादी मतलब घर में शादी होती है वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे। अगर कोई जाएगा हमारे साथ में जो रहेगा वो, मुझे आफ्टरनून में कहीं और जाना है, तो वो सारा कुछ आप लोग को बाद में दिखेगी आज की ब्लॉग में ही। तो बस यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं घर में क्योंकि सुबह सुबह आए थे उठ के, तो ब्रश बस किए थे, नाश्ता पानी कुछ नहीं किए हैं जिसकी वजह से भूख लग रही है अब, और टाइम भी हो चुकी 9:30। तो फटाफट से जाते हैं घर और थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि आफ्टरनून में हमें और कहीं जाना है, वो सारा कुछ हम बाद में बताते हैं। देखो यहाँ कितना बढ़िया लग रहा है लोकेशन, तो यहाँ हम और आसमान फ़ोटो खिंचा लिए हैं। तो ये फ़ोटो आएगी इंस्टाग्राम में, तो भाई जाकर फॉलो कर लो यार, वहाँ पे हमें हमारा भी एक दो फॉलोअर बढ़ जाएगा गरीब आदमी लोग का। नीचे हैंडल आ रहा है इंस्टाग्राम का, जाकर फॉलो कर लो। तो यहाँ चर्च शादी हुई उसके बाद सारे लोग गायब हो चुके हैं, हम बस थोड़ा सा गए थे नीचे के साइड में अपना फ़ोटो शूट करने के लिए। और यहाँ का कंपाउंड में ना जो कपल है उसका वीडियो शूट या फोटो शूट करने के लिए बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड प्लस फ़ोटोज़ खींचने के लिए अच्छा लोकेशन है। चर्च के पास में यहाँ वहाँ अभी अच्छे अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं, तो भाई कपल का शूट करने के लिए अगर टाइम ज़्यादा मिलता ना हमें आज भी, तो भाई ख़तरनाक वाली फ़ोटो निकालते हैं। लेकिन टाइम नहीं था तो जल्दी जल्दी वे लोग घर चले गए, जिसकी वजह से कि आधा अधूरा काम हुआ है। मतलब फ़ोटो तो बढ़िया बढ़िया खींच लिए हैं बट और अच्छा फ़ोटोज़ खींच सकते थे अगर टाइम मिलता तो, लेकिन कोई नहीं, जो हो गया तो हो गया। अब चर्च के पास हम पहुंच चुके हैं और बस हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, तो बैठते हैं बाइक में और निकलते हैं घर की तरफ में। और यहाँ पर देखें जैकफ्रूट काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, कटहल, मोहम्मदा का चर्च कितना प्यारा अंदर से और बहुत प्यारा है। बाइक हमारी बस यहीं पर अकेले खड़ी है, लेके निकलते हैं अब। छाया छाया है कितना अच्छा, यहाँ कंपाउंड में थोड़ा ठंडा लग रहा है, पेड़ की वजह से ज़्यादा पेड़ है ना यहाँ पे। गेट हमारे लिए खोला जाएगा अभी गेट। तो बस निकलते हैं घर और आराम करते हैं, उसके बाद में कहाँ जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। A few moments later. शाम का 4:30 बज रहा है बट अभी पूरा गर्म हवा लग रही है भाई, गर्मी तो है यार खतरनाक, बादल बादल सा मौसम है बट गर्मी लग रही है। और आगे का हाईवा जा रहा ना, उसका गर्म हवा हम पर पूरा लग रहा है यार, फूल भी उठ रही है। तो सुबह में हम थे शादी में और अभी हम जा रहे हैं लोटा पानी के लिए सूखी गाँव, जहाँ पे कि लड़का पार्टी वाला आ रहा है लोटा पानी के लिए सूखी गाँव में, और लड़का पार्टी आ रहा है साले गाँव से। और अभी सारे भाई लोग जा चुके हैं, मतलब जा रहे हैं, किसका लोटा पानी हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किसी जगह पर, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और लड़के का हमें भी नहीं पता है, बस सूखी गाँव पता है। जाते हैं और देखते हैं आज लोटा पानी का प्रोग्राम। और अभी हम टोटल 4 लोग जा रहे हैं, आज उसको बाइक चलवा रहे हैं और पीछे बैठ कर ब्लॉग बना रहे हैं, और पीछे हम स्कूटी में है, पीछे में आसमान और अनिकेश आ रहा है, और अभी हम लोग हैं रेगाई गांव में। यहाँ सामने में एक बस नज़र आ रही है और लोगों का भीड़, तो हमको लगता है कि बस यहीं पे जाना होगा हमें, यहीं पे लोटा पानी होगी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है यहाँ से यार। अब सामने में जाते हैं और देखते हैं, और रोड जाती है इधर से बट हम खेत में शॉर्टकट मार रहे हैं। और लोटा पानी जो वीडियो शूट करेंगे हम, वो आप लोग को यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगी बट वो ये चैनल में नहीं रहेगी, वो आएगी SRN वीडियोग्राफी करके, नीचे में नाम आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो भाई जाके देखना। वहाँ पे शादी ब्याह लोटा पानी और कल्चर प्रोग्राम और कहीं भी कुछ प्रोग्राम होते हैं डांस वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगी उस चैनल में। तो बस पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ लोटा पानी होगी।
भाई लाज लग रहा है यार आगे जाने में, सब हम लोग को देख रहा है। जहाँ पर हम लोटा पानी आ रहे थे वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो मेहमान आए हैं उस पर जाके अंदर ले गया है, सारे लोग बैठे हैं तो अंदर में गर्मी लग रही है तो भाई बाहर में हम खड़ा होकर देख रहे हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने में लेट है तो बस थोड़ा देर वेट करते हैं, जब शुरू हो जाएगी तो जाके अंदर में फोटो वगैरह खींचेंगे। और भीड़ तो भाई खतरनाक है, ज़्यादा ही लोग हैं और सारे लोग बाहर में ग्राउंड की तरफ में देखेंगे तो पीछे साइड में पूरा अपना अपना खड़े हैं। बस से लोग बराती या फिर शादी या फिर कहीं भी जाते हैं ना, आप देखो बच्चा लोग क्या करता है, गाड़ी में ऐसे चढ़ चढ़ के खेलते रहता है ना में, और अपनी बाइक इधर दूर में रखे थे तो इसको लेके जाते सामने में ताकि हमारी नज़र के सामने रहेगी, क्योंकि यार बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इधर घूम रहे हैं, स्क्रैच वगैरह मार देते हैं। तो भाई देख चलो उधर आगे, अब सब लोग बाहर निकल खड़ा होकर देख रहा है क्योंकि आंगन बड़ी नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग नहीं अट रहे हैं, तो जस्ट अभी पानी वगैरह मिली, पानी पीने के बाद में लोग बाहर भी निकल गए। बहुत देर हो गया है बाहर ही बैठ के हम लोग गप्पे सप में मार रहे, सारे लोग बाहर में घूम रहे हैं यार। कब शुरू होगा? एकदम ताजी नबी तरीती हो रहा है। अंदर तो हम आ चुके हैं गहरा फांद के क्योंकि जो स्वागत गाना वो स्टार्ट हो चुके थे, और इधर देखेंगे तो लोग बैठे हुए हैं पीछे में, तो भाई पीछे तरफ से आके मतलब स्थान ही नहीं बन पा रहा है यार, पूरा गर्मी लग रहा है अंदर में। पानी रखा हुआ है बता, बाथरूम की तरफ आके बाथरूम में आ गया जी, इधर कोना में स्थान तो मिला हम लोग को लेकिन क्या करें। चलो तभी नाश्ता मिल रहा है यार, हाथ हम भी धो लिए हैं तो नाश्ता कर लेते पहले, तो नाश्ता मिल रहा है सब्जी और पूरी, उसके बाद अपना काम करेंगे फोटोग्राफी का। प्लेट झोंको, प्लेट प्लेट झोंको देबो नहीं करेगी, दवाई बनी के हाथ बोलेगी रुको जरा सबर करो। आप नहीं खाएंगे लिए हैं हमें नाश्ता मिल चुका है पूरी और सब्जी और हम साइड में निकल के खा रहे हैं भाई, इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है अंदर में ना, और ये बाथरूम किनारे साइड में। अरे हाँ पोर्क को भी उधर रखा जाता है और बाथरूम भी है, और इसके मिडिल में हम लोग बैठ के खा रहे हैं। सीढ़ी जो रखा था आसमान का बन गया, इसके लिए कुर्सी मिल गया, हम जाते छत के ऊपर ऊपर में। भाई नाश्ता पानी तो डन हो चुका है, गर्मी भी लग रही है, गर्मी का तो भाई बात ही नहीं है, और अभी प्रोग्राम कब शुरू होगी पता नहीं, सारा नाश्ता पानी कुछ लोग कर ही रहे हैं तो बस इंतजार करते हैं कब निकालते हैं यहाँ पे और लोटा पानी कब शुरू होती है। अभी तो अंधेरा होने लगा है, अब देखते हैं यार, मतलब बैठे बैठे बोरिंग लग रहा है यहाँ पे ना रुठ कपना। अभी पूरी मिली, पूरी के बाद में बोला गया कि चावल खाना है तो ले सकते हो, तो चावल ले लिया, मैं तो पेट भर गया है, अब लास्ट में जो मिलेगा खाना देखते हैं खा पाते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तो तुरंत खाना नहीं मिलेगा तो तब तक हमारा पेट खाली हो जाएगा आराम से, बस इंतजार करते हैं बैठे बैठे यहाँ पे। लड़का और लड़की जिसका लोटा पानी होगा उसको निकालने, अभी तक प्रोग्राम जो होने वाले थे शुरू नहीं हुई है, अभी भी लेट है, तो भाई ग्राउंड के साइड में घूम रहे हैं क्योंकि मुझे सारे के सारे लोग देखो अंदर में बैठा छोड़ के सब बाहर में, खुला स्थान है इधर, मैदानी भाग है तो इधर निकल के सब खड़े हैं, हम भी आगे थोड़ा हवा लगेगा बोल के, पर बाहर में भी हवा नहीं चल रही यार, अब कब शुरू होता है पता नहीं, हम लोग क्या दिखाएं पता नहीं क्योंकि अंधेरा है इधर, बस वेट करते हैं। Yeah.
खाली लोटा पानी हो गई है और फोटो खींचने नहीं बना था, बहुत ज़्यादा भीड़ था और जगह नहीं होने की वजह से ऐसे तैसे फोटो आई, ख़राब भी आई है। और अभी चल रहा है संधि जुड़ा रहे हैं और उसके बाद आई थिंक लड़की के लिए गिफ्ट दिया जाएगा, उसके बाद ही खाना वगैरह मिलेगा, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होगी। ओ भाई, और गर्मी से हालत ख़राब अपना। इस लोटा पानी का पूरा वीडियो ये सारे वीडियोग्राफी चैनल में देखने को मिलेगा, नीचे में नाम लिखा हुआ आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए और विजिट कीजिए उस चैनल को और खूब सारा प्यार दीजिए। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो इसका पूरा वीडियो आने वाला है वो भी आप लोग को पसंद आएगी। तो बस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। खाना मिलेगा ना, सबसे पहले दौड़ के जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है भाई, लाइन लगेगा ना, तो समझ रहा है कितना लंबा लाइन होगा। अब जाके अभी टाइम हो रहा है रात का 11 और अभी हमें खाना मिल रही है और सारे लाइन बना के खड़े हैं खाना लेने के लिए। आसमान को लाइन में घुसा दिए हैं बीच में, फिर हम जाके घुसेंगे खाना लेने के लिए।